Thank you.
ji na jawane photo jawane na photo bappa ji ya bahut hi bariki se banaya hua hai Thank you.
landing. Udhu pada na, udhu pada na. Ninka, ninka pada na. Ticket. देख सकते हैं हमारे मोबाइल का टिकट चेक हो चुके हैं म्यूजियम में, आप देख लिए हैं पहले में ही, हम लोग दिखा दिए हैं, बस बताएं नहीं। देखिए हमारे मोबाइल के टिकट चेक कर रहे हैं म्यूजियम में, आप देख सकते हैं ये देखिए हमारे अंकल मोबाइल के टिकट हमारे चेक हो चुके हैं, काफ़ी देर से हमारे मोबाइल के टिकट चेक हो रहे हैं, जैसे पता नहीं लग रहा है कि काफ़ी देर से हमारे मोबाइल के टिकट चेक हो रहे हैं म्यूजियम पे। चलिए ये हमारे देखिए हमारे यूट्यूबर बी एन नामी, हमारे चैनल में बी एन नामी से देखिए ये खुद खुद ये आए हुए हैं बनाने और ये है दुनिया के सभी पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं और ये देखिए सबसे अद्भुत पत्थर जो आप लोगों ने कभी देखा है।
काफी लंबा है और यह 20 करोड़ वर्ष प्राचीन पत्थर प्रवर्तित ब्रिज लंबाई लंबाई 53 फीट है आप देख सकते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं इस ब्रिज को काफी ये लंबी है और काफी चौड़ी भी है और ये है इसकी नीचे की भाग जो हम लोग आप लोगों ने कुछ ही देर पहले हम लोग घुसते हुए देखे थे तितली दिखाए थे मगर वो उसके अपोजिट साइड के ये देखे इंडिया के बटरफ्लाई जो आप देख सकते हैं जो काफी लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ म्यूजियम पे पटना के म्यूजियम पे काफी लोग आए हुए हैं देखने के लिए प्राचीन कालों की ये जो सब है देखने आए हैं काफी दूर से आए हुए हैं और चलिए यह है भैंसा जंगली भैंसा काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं कुछ हिस्से कुछ नमूने पूर्व इतिहास काल के जानवर के कुछ नमूने आप लोग देख सकते हैं यह है हाथी और में इनका नाम हमें भी पता नहीं है कुछ कुछ नाम पता है तो उन्हें उनका बता दे रहे सो बता दे डायनासोर जो काफी अद्भुत चले ये है तो आप देख सकते हैं
देखने के लिए। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं देखने के लिए और कुछ क्या क्या है जो प्राचीन कालों में रखा गया था। चलिए हम लोग ऊपर काफी ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। ये है बुद्ध, दोस्तों देख सकते हैं काफी लोग आ रहे हैं जो देखने के लिए अद्भुत चीज प्राचीन। ये देखिए प्राचीन कालों के आइए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं प्राचीन कालों के। ये है ब्रास के बनाए हुए पक्षियां, ब्रास के बनाए हुए पक्षियां जो है पीतल के आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी है, लॉर्ड कृष्णा राधिका। ये है ब्रास बर्ड सेंट्री एज मिस 36। दीपदान है, लैंप स्टैंड जिसको बोलते हैं।
देखिए होगी, सब इसमें डिटेल दी हुई है। ये देखिए हुआ है।
है। Thank you.
अभिनंदन पत्र।
प्राप्त उपहार। मैं डिटेल में तो नहीं बता सकते, सिर्फ देखिए बस इतना बता सकते हैं ये विभिन्न राज्य से जो प्राप्त हुए हैं उपहार वही हैं जो आप देख रहे हैं।
ये दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी देर से जो देखी होगी, अब हम लोग बाहर को जाते हुए ये देखिए बाहर है और हम अब जा रहे हैं बाहर की ओर। दोस्तों अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं।
कितने दिख रही है? पर इनका दहना हाथ कहाँ है? ये तो दृश्य
गाड़ी खड़ी करी है, देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग की गाड़ी है, बाइक है, और ये है मेन गेट। मास्क लगा लेते हैं। ये देखे हमारे जो सामान सब है वो यहाँ पर रखी हुई है और हम लोग अभी निकालने वाले हैं। अभी इसी में छोड़ देना। दोस्तों ये हमने सामान निकाल ली है जो अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। बाइक ले रहे हैं, बाहर की ओर जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग गाड़ी निकालने वाले हैं म्यूजियम से। चाबी मेरे पास है। अब म्यूजियम से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। ये देखे एयरप्लेन। वेर है हम लोग की बाइक, ठिकाना है। इसी से काफी दूर से आए हुए हैं। काफी ज्यादा जाम है रोड में, आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत मजा किया, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग म्यूजियम गए, पटना के म्यूजियम गए तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब प्राचीन समय के चीजों को देखे हम लोगों ने। और उस समय जो मतलब जो भी पत्थरों में बनाया गया था मूर्ति वो सब देखे और बड़ा अच्छा लगा कि देखकर कि वो सब चीज हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। अगर ये म्यूजियम ना होता और ये म्यूजियम हम लोग शायद ही देख पाते तो वो चीज देखे हम लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा। हमें आशा है कि हमारे वीडियो को देखकर आपको भी अच्छा और बड़ा मजा लगा होगा। और इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं कि हमारे चैनल पे कम से कम इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स की। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस इतना ही कर।